बहराइच होमगार्ड एसोसिएशन द्वारा जिला मेडिकल कॉलेज भर्ती आज दिनांक 18/8/2021 को घायल होमगार्ड अब्दुल अजीज पिता मोहम्मद अनीस कंपनी नवाबगंज चरदा ग्राम सभा बनकुरी थाना रूपेडीहा होमगार्ड एसोसिएशन के पदाधिकारी ने आर्थिक सहयोग 3,000 रूपए किया और थाना रूपेडीहा प्रभारी श्री अभय सिंह द्वारा भी आर्थिक सहयोग 15,000 रूपए किया गया, जिससे होमगार्ड एसोसिएशन ने सराहनीय कार्य बताया। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष हीरालाल भास्कर, जिला उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद दुबे, जिला मीडिया प्रभारी रमाकांत श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष नवाबगंज चरदा अमितेंद्र कुमार तिवारी, प्रमोद कुमार वाजपेयी, संतोष सिंह रामकिशन हालचाल लिए और आश्वासन दिया आपकी पूरी मदद की जाएगी, सरकार द्वारा भी मांग की जाएगी। शासन आदेश जारी हुआ है। एक्सीडेंटल अपंगता सहयोग राशि 2.5 लाख देने को जिला अध्यक्ष हीरालाल भास्कर ने बताया कि होमगार्ड विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सहयोग राशि नहीं दी जाती है। सरकार से मांग करते हैं जो भी होमगार्ड जवान एक्सीडेंटल अपंगता बीमारी से पीड़ित हो उनको तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहयोग दिलाया जाए। हीरालाल भास्कर, जिला अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन जनपद बहराइच। आज आपके एक होमगार्ड को आर्थिक सहायता किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा होमगार्ड जवान थाना रुपैडीहा में ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करके घर वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उनको जवानों द्वारा जिला अस्पताल बहराइच में लाकर एडमिट कराया गया और थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा आर्थिक सहयोग भी दिया गया। 15,300 रुपये उनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, इसके लिए हमारी जिला कार्यकारी उनको धन्यवाद देती है। और सरकार के द्वारा हमारे जवान को कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, चाहे जवान का बेल्ट टूटे, चाहे जवान अपंग हो जाए, फिर भी सरकार द्वारा कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जा रहा है जो हमारे जवान को लाभ मिल सके। इसके लिए मैं जनपद के जिला एसोसिएशन की तरफ से आर्थिक सहयोग जवान को अपने दिए हैं जो हो सका है, लेकिन सरकार द्वारा आज तक और ना अधिकारियों द्वारा कोई भी सहयोग हमारे जवान को दिया गया है और ना कोई भी जवान को दिया जाता है।